Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है फेज इक्विलिब्रिया सीरीज, और इस सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ दिस फेज इक्विलिब्रिया सीरीज. सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बिल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कॉन्टेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलता है. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द डिराइवेशन ऑफ फेज रूल, और आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फेजेस. ओके, सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर है C1, उसका इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे इन ऑल द फेजेस. जब भी इसका केमिकल पोटेंशियल जो होगा μi वो हर एक फेज में इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो है ये इक्विलिब्रियम में है. दिस इज द थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, नाउ जिस भी फेज में केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि केमिकल पोटेंशियल इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, सो ये बताया जाता है कि फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम, फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम जो मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द केमिकल पोटेंशियल. ओके, सो फॉर ए वन कंपोनेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम लोग को पता है गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी रिटन एज dg इक्वल्स टू माइनस SdT प्लस VdP. ओके, अगर हम लोग इसको पर मोल के हिसाब से लिखे, मतलब दोनों साइड में अगर हम लोग डिवाइडेड बाय n कर दें, ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग को क्या मिलेगा, d ऑफ g बाय n, दिस इज इक्वल्स टू केमिकल पोटें, ये जी बाई एन मतलब मोलर गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल, सो दिस कैन बी रिटन एज dμ एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ s बाई एन मीन्स मोलर एंट्रोपी, सो दिस कैन बी रिटन एज SmdT एंड v बाई एन दिस इज द मोलर वॉल्यूम, सो दिस कैन बी रिटन एज VmdP. ओके, सो फ्रॉम हियर हम लोग को ये समझ में आता है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होगा, dP विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म राइट साइड का जो सेकंड टर्म है ये वाला, ये वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, dμ dt एट कॉन्स्टेंट p will be equals to minus of SM, ठीक है, differentiating chemical potential with respect to temperature at constant pressure, हम लोग को मिलता है molar entropy, ठीक है. So this is another important equation, let it be equation number 2. अभी again at constant temperature क्या होगा, dT will be equals to 0. dT ज़ीरो हो जाने से ये फर्स्ट टर्म जो है राइट साइड का ये वैनिश हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, dμ dP एट कॉन्स्टेंट t विल बी इक्वल्स टू vm, दैट इज द मोलर वॉल्यूम, एंड दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन,
लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 2 और 3 को यूटिलाइज करके हम लोग कुछ ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को, डी यू डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस स्मॉलर एंड डी म्यू डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू वी मोलर। ठीक है, नाउ अभी हम लोग को पता है कि एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंट्रोपी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी और ये सबसे ज़्यादा होता है इन मैग्नीट्यूड फॉर गैसियस, एंट्रोपी गैसियस फेस के लिए सबसे ज़्यादा होता है, देन एंट्रोपी होता है लिक्विड फेस के लिए, देन सबसे कम होता है एंट्रोपी फॉर सॉलिड्स एंड ऑल ऑफ दीज आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये वाला वैल्यू जो है ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन सामने एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि डी म्यू डी टी का जो वैल्यू है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मीन्स डी म्यू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू हम लोग को मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज डी म्यू डी टी, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ म्यू वर्सेस टी ग्राफ, सो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ इन टर्म्स ऑफ कर्व्स अभी हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करें केमिकल पोटेंशियल म्यू वर्सेस टी, ओके, सो वील गेट थ्री प्लॉट्स विच आर ऑफ, अभी आप लोग गैस कर सकते हो यहाँ से, ये अगर प्लॉट वन है, ये अगर प्लॉट टू है और ये अगर प्लॉट थ्री है, सो कौन सा प्लॉट गैसियस फेस का है, कौन सा प्लॉट सॉलिड फेस का है और कौन सा प्लॉट लिक्विड फेस का है वो आप गैस कर सकते हो यहाँ से यूजिंग दिस हिंट। अभी जल्दी जल्दी गैस करो। सो आप लोगों ने अगर ऑलरेडी गैस कर लिया है तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ से हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि स्लोप ऑफ म्यू वर्सेस टी ग्राफ जो है वो हमेशा नेगेटिव हम लोग को मिलेगा, नॉन पॉजिटिव वैल्यू। सो कर्व्स विल बी लाइक दिस, जहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो तीन कर्व हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 1, 2, 3। अभी कौन सा गैसियस फेस का है, कौन सा लिक्विड का है और कौन सा सॉलिड का है वो अभी हम लोग को डिटरमिन करना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस डी यू डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोलर एंट्रोपी, और मोलर एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैसियस फेस का होता है, सो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किस फेस का होगा, गैसियस फेस का होगा। इसका मतलब ये है ये वाला जो थर्ड लाइन है जिसका प्लॉट जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा नेगेटिव है ये होगा गैसियस फेस का प्लॉट। ठीक है, और ये वन नंबर जो लाइन है जिसका स्लोप सबसे कम नेगेटिव है वो होगा सॉलिड, और ये मिडिल वाला जो है लाइन नंबर टू जिसका स्लोप मीडियोकर है इन बिटवीन 1 और 3 ये वाला प्लॉट होगा लिक्विड फेस का। ठीक है, और जिस पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड फेस का प्लॉट जो है वो क्रॉस करता है दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स आवर मेल्टिंग टेम्परेचर, दिस इज TM विच इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर। जिस पॉइंट में लिक्विड और गैसियस फेस जो है वो क्रॉस करते हैं दिस रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग टेम्परेचर TB, ओके, सो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इस प्लॉट को कैसे इंटरप्रेट करना है वो हम लोगों ने समझ लिया है। सो जिस पॉइंट में दो फेजेस का प्लॉट्स जो है वो क्रॉस करते हैं दैट एट दैट पॉइंट दैट
दोज टू फेसेस दे कोएग्जिस्ट. तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट करेगा एट मेल्टिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर में गैसियस फेज और लिक्विड फेज जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे. अभी बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, अभी हम लोग को ये वाला पार्ट कंसिडर करना है. तो बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर इस रीजन में हम लोग को क्या दिख रहा है? हम लोग ने ऑलरेडी बोला है कि जिस फेज का केमिकल पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो इस रीजन में हम लोग को क्या मिल रहा है, कौन सा फेज का केमिकल पोटेंशियल सबसे कम है? लिक्विड फेज का केमिकल पोटेंशियल सबसे कम है, इसलिए बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर लिक्विड फेज इज़ द मोस्ट स्टेबल. अभी बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर इस वाले रीजन में हम लोग को क्या दिख रहा है, कौन से फेज का केमिकल पोटेंशियल सबसे कम है? सो इस रीजन में सॉलिड फेज का केमिकल पोटेंशियल सबसे कम है, इसलिए बिलो मेल्टिंग टेम्परेचर सॉलिड फेज इज़ द मोस्ट स्टेबल. तो इस वाले ग्राफ से जो जो पॉइंट्स हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं सब हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द नेक्स्ट इक्वेशन, द थर्ड इक्वेशन हियर. ओके, सो थर्ड इक्वेशन में हम लोग को क्या मिला है? डी म्यू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम. ओके, सो मोलर वॉल्यूम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो ये स्लोप जो होगा विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर प्रेशर डिक्रीज करे तो इक्वली केमिकल पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है. तो जितना केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा प्रेशर भी उतना डिक्रीज करेगा, या फिर प्रेशर जितना डिक्रीज करेगा केमिकल पोटेंशियल भी वैसा ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि ओवरऑल साइन सेम रहना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अल्टीमेटली पॉजिटिव मिलने के लिए, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलने के लिए. ठीक है, ऑल्सो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसियस इज ऑलवेज लार्जर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड दिस इज ऑलवेज लार्जर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो. सो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो स्लोप है ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज किया तो डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल विल बी लार्जेस्ट इन द केस ऑफ गैसियस फेज देन लिक्विड फेज, एंड देन सबसे कम होगा डिक्रीज इन केमिकल पोटेंशियल इन सॉलिड फेज. क्यों? क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा है फॉर गैसियस फेज, तो यहाँ पे चेंज भी सबसे ज़्यादा होगा ताकि मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा रहे. सो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इफ दिस इज द प्लॉट ऑफ केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर, एंड दिस इज सॉलिड फेज, ठीक है, दिस इज गैसियस फेज एंड दिस इज लिक्विड फेज. ओके, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और केमिकल पोटेंशियल सबसे कम डिक्रीज होगा सॉलिड में और सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा इन गैसियस फेज. सो विथ डिक्रीज इन प्रेशर नया ग्राफ हम लोग को ऐसा मिलेगा. अगर सॉलिड के लिए नया ग्राफ मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, तो सॉलिड के लिए अगर हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसा मिला नया वाला इन डॉटेड लाइन्स, तो लिक्विड के लिए कुछ ऐसा मिलेगा. ओके, और गैसियस के लिए कुछ ऐसा मिलेगा. तो मैं जो गैप है बिटवीन द सॉलिड लाइन एंड द डॉटेड लाइन, मैं वो सबसे ज़्यादा रख रही हूँ फॉर गैसियस फेज एंड सबसे कम रख रही हूँ फॉर सॉलिड फेज, क्योंकि यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल का चेंज सबसे कम है और गैसियस फेज में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या मिला था? दिस वॉज द बॉइलिंग टेम्परेचर एंड दिस वॉज द
मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन अभी मेल्टिंग टेम्परेचर कौन सा होगा? ये लिक्विड या सॉलिड का जो इंटरसेक्शन है, दिस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर टी एम प्राइम, एंड ये लिक्विड और गैसियस का इंटरसेक्शन, दिस विल बी द न्यू बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, विथ डिक्रीजिंग प्रेशर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर टी एम वो भी डिक्रीज करता है, बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी वो भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग को ये मिला कि जितना हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करेंगे केमिकल पोटेंशियल उतना रिड्यूस होगा, केमिकल पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रिड्यूस होगा इन द केस ऑफ गैसियस फेज देन लिक्विड, एंड सबसे कम रिड्यूस होगा इन द केस ऑफ सॉलिड फेज। और जब केमिकल पोटेंशियल रिड्यूस होगा बॉइलिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर भी उतना ही कम होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा डिफरेंस है इन द टेम्परेचर बिटवीन द इनिशियल बॉइलिंग टेम्परेचर एंड द लेटर बॉइलिंग टेम्परेचर देन इन द केस ऑफ इनिशियल मेल्टिंग टेम्परेचर एंड द लेटर मेल्टिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज आया है इन द गैसियस फेज इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम, इसलिए बॉइलिंग टेम्परेचर में भी ज़्यादा फर्क आएगा। सो पहले लिक्विड और सॉलिड का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ था, और गैसियस फेज का जो प्लॉट था वो यहाँ पे था। अभी न्यू लिक्विड और सॉलिड फेज का जो प्लॉट है डॉटेड लाइंस से जो रिप्रेजेंट किया है, उसका इंटरसेक्शन यहाँ पे है, और गैसियस फेज का जो प्लॉट है वो ज़्यादा करीब आ गया है। तो अगर हम लोग ऐसे प्रेशर को रिड्यूस करते जाए और भी ज़्यादा डिक्रीज करते जाए, ताकि क्या हो, अल्टीमेटली ये जो गैसियस फेज का जो प्लॉट है, ये इसका केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली ये ऐसा हो जाए कि ये अगर सॉलिड है और ये अगर लिक्विड है, और गैसियस फेज जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, दिस इज केमिकल पोटेंशियल एंड दिस इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड ये है, लिक्विड का जो प्लॉट होगा वो ऐसा होगा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, जूम करके अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो सॉलिड का लाइन ऐसा है, गैसियस फेज का लाइन ऐसा है, और लिक्विड का लाइन ऐसा है। दिस इज़ द जूम्ड पार्ट ऑफ दिस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग प्रेशर को इतना सफिशिएंटली रिड्यूस कर दे कि गैसियस फेज का जो है केमिकल पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, तो तब क्या होगा, एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन ये गैसियस फेज जो है सॉलिड फेज को इंटरसेक्ट करेगा बिफोर लिक्विड इंटरसेक्ट्स सॉलिड फेज। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पहले आ रहा है देन दिस पॉइंट। सो सॉलिड फेज जो है वो डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड द सॉलिड विल सबलाइम इनटू गैसियस फेज, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज, दिस टेम्परेचर इज नोन एज द सबलिमेशन टेम्परेचर टी एस, ओके। सो दिस इज़ हाउ सबलिमेशन हैपेंस। सो यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का जो इंटरसेक्शन है वो ज़्यादा टेम्परेचर में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पहले टेम्परेचर कम टेम्परेचर में हम लोग को ऑलरेडी सॉलिड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्शन मिल जाएगा, तो इसलिए सॉलिड जो है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा रेदर देन टर्निंग इनटू लिक्विड। सो दिस इज द सबलिमेशन प्रोसेस, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द सबलिमेशन टेम्परेचर, जहाँ पे
गेशियस फेस का प्लॉट और सॉलिड फेस का प्लॉट इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फेजेस. आई होप आपको इस वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ शेयर द वीडियोज अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल. आप लोग को इस वीडियो का कॉन्टेंट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन Facebook एंड Telegram. और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड हेल्प अस ग्रो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.